दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जहां रात में कोई नहीं रुकता, नहीं तो अगले दिन तक उसके साथ कुछ अजीबोगरीब होता है। आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। इससे पहले हे प्रभु, जो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय महाकाल लिखकर हमें सब्सक्राइब करेगा, उसकी हर एक इच्छा पूरी हो ऐसी कृपा करना। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के उज्जैन में स्थित है भगवान शिव का मंदिर महाकालेश्वर, मानते हैं जिसकी रचना स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी। इस मंदिर में भोलेनाथ का एक शिवलिंग है। मानते हैं कि ये स्वयं प्रकट हुआ था। सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर में जो भी शासक या जो भी मंत्री घूमने आता है वो कभी भी रात में नहीं रुकता। जो भी रुकता है अगले दिन तक उसकी सत्ता चली जाती है। एक बार भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई यहाँ घूमने आए थे और वह यहाँ एक रात के लिए रुके थे। अगले दिन तक उनकी सत्ता चली गई थी। दोस्तों, क्या कभी आपके दिमाग में यह सवाल आया है कि बस यहाँ पर ही भोलेनाथ को महाकाल के नाम से क्यों जाना जाता है? इसके पीछे का कारण यह है, महाकाल दो शब्दों से मिलकर बनता है, महा और काल, जिसमें महा का अर्थ होता है विजय और काल के दो अर्थ हैं यानी समय और मृत्यु। अर्थात महाकाल को समय और मृत्यु पर विजय हासिल है, इसीलिए उन्हें यहाँ महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको इसी तरीके के रहस्यमय तथ्य जानना पसंद है तो आप इसे अपने परिवारजनों और दोस्तों के साथ शेयर करें।